निषेधाज्ञा कि साहब ये इनको रोका जाए। अब सवाल है कि आपके कॉज ऑफ एक्शन, कोर्ट काय में चली गई, वो कुछ वैल्यूएशन और लिमिटेशन इधर उधर भटक गई। सवाल है कोर्ट को ये देखना है कि क्या प्राइमा फेसी यानी कॉज ऑफ एक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्या कोई वाद कारण उत्पन्न हुआ। आप लोग कभी वाद कारण पे नहीं जाते, बाकी सब साहब वो कोर्ट फीस कम में है हमने या उसे थ्रेशोल्ड पे, इस पे क्या सैटिस्फेक्शन है, मैं बताता कोर्ट शुड गिव ए अपॉर्चुनिटी और नॉट, सिर्द कैन कोर्ट पर्पस नॉट मैं आफ्टर यू फाइल एड रिटन स्टेटमेंट, कैन कोर्ट नॉट मेक प्रिलिमिनरी जो शुद्ध लॉ के पॉइंट है, और अगर वो फैक्ट और वो है तो कैन इट नॉट मेक और लीगल इश्यूज वो सुन के कैन नॉट दे मेक ए ऑर्डर। एट द एंड ऑफ द जजमेंट एनीथिंग कैन बी डन, बट द प्रॉब्लम इज फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज एंड मतलब देन कोर्ट कैन सी कि व्हाट आर द लीगल इश्यूज एंड व्हाट आर द क्वेश्चंस ऑफ फैक्ट एंड लॉ। पर्पस इज दैट आज कोई व्यक्ति मेरी प्रॉपर्टी है 1.5 करोड़ की, उसका 2,000 का वैल्यूएशन करके सूट चलाता है 10 साल, और फिर कोर्ट बोलती नहीं साहब आपको तो 1.5 लाख रुपए कोर्ट फीस देनी थी, सो आई एम बीन अननेसेसरी हैरास बिकॉज किसी ने 200 रुपए की कोर्ट फीस लगा दी और 1.5 लाख रुपए देना था, 1.5 लाख रुपए में ही विल बी डेटर्ड, वो सूट नहीं फाइल करेगा क्योंकि उसके पास 1.5 लाख देने को नहीं है मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, जी। कोर्ट फीस इज बेसिकली अ मैटर बिटवीन कोर्ट एंड सो प्लेंटिफ। देन इट हैज टू आपको नहीं जी तो प्रिलिमिनरी इशू बना के फाइल रिटन स्टेटमेंट, प्रिलिमिनरी इशू बना के कोर्ट सर, ये देखेगी अगर 7-11 की स्टेज पे ही डिटरमिन हो नहीं सकता कर है, सकते नहीं इतना। उसमें सर सेक्स देखिए यहाँ अपन एक पन्ने की एप्लीकेशन लगाते हैं ना 7-11 की, वहां अपन रिटन डिटेल और पूरी बात बताते हैं उसमें, जो कि इसमें कभी नहीं आती है। आई हैव नेवर सीन ए के ये डिटेल 7-11 अपने आपन कह साहब वाद मूल्यांकन इतना है ना। अब वो वाद मूल्यांकन तो कोर्ट देखेगी, विल गिव यू लिबर्टी टू विथड्रॉ और आफ्टर फाइलिंग कोर्ट विल फ्रेम इश्यूज एंड ऑल क्वेश्चंस रिगार्डिंग वैल्यूएशन जुरिडिक्शन दैट कंसीडर इट हैज टू बी डन एट अ प्रिलिमिनरी स्टेज ओनली, दैट इज माय सबमिशन। नहीं, देयर इज अ डिफरेंस। 7-11 में जब कोर्ट ऑब्जेक्ट करती है तब आपका रिटन स्टेटमेंट नहीं होता, कोर्ट को केवल प्लेंथ देखनी होती है 7-11 की स्टेज पे, और व्हेन यू फाइल ए रिटन स्टेटमेंट तो कोर्ट के पास एक अलग जुरिडिक्शन होता है, और इवन आफ्टर रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस एट द एंड ऑफ द जजमेंट तो कोर्ट पे तब पूरे फैक्ट होते हैं। तो देयर आर थ्री स्टेजेस ऑफ ऑब्जेक्शन 7-11 है ना, तो ये है। तो तो हम फिर मतलब सर उससे ये हो जाएगा कि फिर देन ऑर्डर 7 रूल 11 विल बिकम अ डेड लेटर बिकॉज़ एवरीथिंग विल हैव टू बी डन आफ्टर ट्रायल। नॉट सो नेसेसरी। अभी 2 दिन पहले मैंने एक केस किया, उनका ये था कि साहब हमें एक जस्ट फॉर एन एग्जांपल, मतलब उनका ये कहना था कि साहब हमको ये माइनिंग का पट्टा दिया जो कि 2020 से खारिज हो गया है ना, वो उसकी 4 जनवरी 2020 को वो खत्म हो गया। बोले 4 जनवरी 2020 के बाद हमने वो किया, 4 जनवरी 2020 के पहले हमने एक एप्लीकेशन रिन्यूअल के लिए लगा दी, गवर्नमेंट ने उसको रिन्यू नहीं किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ये स्टेट का कोई क्या गोल्ड खनिज का वो था, माइनर मिनरल का था सेंट्रल सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस पे गोल निकालने का पट्टा किसी को दे दिया, शायद थिंक छिंदवाड़ा का केस था। जी इनका अभी कुछ भी नहीं है, इनको कोई रिन्यू नहीं किया, अभी स्थायी निषेधाज्ञा का दावा ले आए कि स्थायी निषेधाज्ञा की साहब ये इनको रोका जाए। सवाल है कि आपके कॉज ऑफ एक्शन, कोर्ट काय में चली गई, वो कुछ वैल्यूएशन और लिमिटेशन इधर उधर भटक गई। सवाल है कोर्ट को ये देखना है कि क्या प्राइमा फेसी यानी कॉज ऑफ एक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्या कोई वाद कारण उत्पन्न हुआ। आप लोग कभी वाद कारण पे नहीं जाते, बाकी सब कि साहब वो कोर्ट फीस कम नहीं, है हमने तो दो चीजों चीजों पे कहा सर, पर ऐसा मैंने देखा है इन चीजों पर लोग नहीं चले इसमें जाते। दो वाद कारण लिखे सर हमने कि इन्होंने जो वाद कारण दिया हुआ है वो सिविल कोर्ट का, वो रेवेन्यू कोर्ट का स्पेसिफिक ज्यूरिसडिक्शन है, वो यहाँ पे नहीं किया जा सकता। कॉल साहब आपने अक्सर देखे होंगे, मैंने भी उनके साथ किया, पर साहब एक बात लिखते हैं वो एक सुप्रीम कोर्ट का, एन आयोटा इन चेंज ऑफ फैक्ट्स चेंजेस द प्रिसिडेंट वैल्यू ऑफ एनी जजमेंट, जी ये आपने पढ़ा ना। बट सर जो यहाँ तो अब ये और ये देखना पड़ेगा, वो ये दैट ऑलरेडी देयर, वो तो नहीं, पूरा नहीं मैं दो चीजें कह रहा हूँ सर, एक तो ये हो गया कि रेवेन्यू कोर्ट के एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन में वो भी 7-11 में देखा जा सकता है कि भाई इट इज बार्ड बाय लॉ और नॉट, बिकॉज सेक्शन 257 बोलता है कि सर सिविल कोर्ट का एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन होगा अगर केस ऑफ डिमार्केशन इज कंसर्न। चाहे सुप्रीम कोर्ट ले लो ऑनरेबल अपने यहाँ के डीवी में, और ग्वालियर बेंच में ऑनरेबल आनंद पाठक साहब का, ऑनरेबल शील नागू साहब का है कि जहां भी सत्य की सहायता चाहिए हो तो सिविल कोर्ट का को कोई जुरिडिक्शन नहीं रहेगा,
म्यूटेशन डिमार्केशन ये माइनर इश्यूज है, मेन है स्वत्व, स्वत्व जिसका उसके बाद ये आता है। नहीं, यहाँ पे तो हमने तो प्राइमरी रिलीफ सीख गई है। वी कैन वो एक पर्सन के आप तो रिवेन्यू बोर्ड से चले जाओ, वहां तो बोर्ड ऑफ रिवेन्यू तक लड़ते रहो, उसके बाद फिर सिविल नो नो, कोर्ट में इसके आना। थ्रो वाली बात ही नहीं है सर। चलिए अब हो गया, आई थिंक वी हैव गिवन एनफ टाइम, है ना? ठीक है, तो हम हट एंड डिजर्व कर लेते हैं। आई विल कंसिडर योर आर्ग्यूमेंट और गिव, है ना? इसमें कर दो हट एंड डिजर्व, सर हमारे दो आर्गुमेंट प्लीज लिखा लीजिएगा। एक तो ये कि वो, लिखेंगे, चिंता हाँ मत करो। सर थोड़ा मुझे भी तो अपना नॉलेज इंप्रूव करनी सर आर टू स्टेट के लिए मैं। है ना? फॉर दी अपील एंड लेटर कॉन्सल्ट यू अविनीत अवस्थी। और एक आर्गुमेंट सर कि इफ इस सच सबमिशन इज एंटरटेन मेलो द ऑर्डर 7 रूल 11 विल बिकम अ डेड लेटर। दिस आर्गुमेंट में आल्सो ये बी कोई लिखने की जरूरत नहीं मैं है। समझ द फैक्ट दैट यू से आउटकम दैट आउटकम यू से द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, है ना, कि साहब कोर्ट मानती नहीं है साहब ये अपने। नहीं, मेरा सबमिशन है, मेरा सबमिशन है। ये तो आपने जब इतना लिख दिया उसके बाद ऐसे तो नहीं, मैंने नहीं लिखा, वो तो कॉल साहब का है। अपील की तरह वी कैन ट्रीट इट एज अ सेकंड अपील, नो नो, मतलब सेकंड अपील। तो फॉर द अपीलेंट ये नोटिस टू रेस्पोंडेंट प्लेंटिफ हैज नॉट बीन एप्लीकेंट डिफेंडेंट आपके फॉर कांची देवी आपका है एंड फॉर रेस्पोंडेंट प्लेंटिफ गेंदालाल हैज नॉट बीन गिवन नोटिस बाय दिस कोर्ट फॉर रेस्पोंडेंट पब्लिक डिफेंडेंट नंबर टू स्टेट नेक्स्ट। ठीक है, ये नंबर था 56 ना, 55 सर, 55 55। आर्गुमेंट्स एंड एडमिशन वर्ड हर्ड रिजर्व फॉर ऑर्डर। ठीक है, इसमें साथ में भी जाए, इसमें स्टेपिंग कम देना। अगर माइलोट को ये लगता है कि बाद में अगर आप भी लग रहा है तभी तो रिजेक्शन, नहीं नहीं विड्रॉ नहीं, मैं कह रहा हूँ कि उसमें लिबर्टी वैसे भी डिसमिस करने के बाद भी लिबर्टी तो देंगे। ठीक है, तब आप पूरा किसी का खून हम लिबर्टी, नहीं नहीं सर, क्लाइंट का इंटरेस्ट देखना पड़ता है। लॉ पे मैं कुछ भी कह सकता हूँ, बट क्लाइंट का इंटरेस्ट देखना पड़ता है। मेरा भी ये है कि हम आपको लिबर्टी दे सकते हैं कि आप उसमें आफ्टर फाइलिंग रिटन स्टेटमेंट यू मेक ए रिक्वेस्ट टू द कोर्ट पॉइंट आउट कि ये शुद्ध लॉ के क्वेश्चन है, नथिंग फैक्ट इज इन्वॉल्व्ड एंड देन वी कैन डायरेक्ट इफ आफ्टर हियरिंग बोथ द लर्नड काउंसिल दिस इज अ प्योर क्वेश्चन ऑफ लॉ देन दे मे बी डिसाइडेड फर्स्ट, है ना? सुपीरियरी ऑर्डर 14 रूल 2 की एप्लीकेशन लगाने के लिए अनुमति दो। वीर से कि विधि के प्रश्न है तो आप यू कन्विंस द कोर्ट साहब। देखिए इसमें वैल्यूएशन में, वैल्यूएशन में कुछ लॉ का प्रश्न नहीं है और ये एडवोलरम कोर्ट भी आपका जजमेंट बोले साहब ये आप ये वाद मूल्यांकन इतना है ये यहाँ की मतलब क्या कहते हैं वो मतलब क्या बेशकीमती जमीन है उस पर ये बना हुआ है, इसके डिक्लेरेशन के लिए सत्य घोषणा के लिए एडवोकेट कोर्ट फीस नहीं वो होगी, केवल वो कहते हैं ना जो जो ये 200 2000 ये उनमें रहती है कि सिंपली से डिक्लेरेटरी सूट हो, डिक्लेरेटरी सूट हो, लेकिन अगर किसी से आप कब्जा पा रहे हैं यू डोंट हैव तो आपको पूरा ही वो करना पड़ेगा सर। तो फिर ऑब्जर्व कर दें सर, इतने कर ठीक है करने ये इसमें एक लिख दो ना फॉर दी ये अभी तो वही हो गई। तो क्या लिखू आफ्टर आर्ग्यूइंग फॉर सम टाइम या न लिखूंगी? आप मैंने बस ये इतना लिख दें कि जो द इफेक्ट ऑफ द जजमेंट रिलाइड अपॉन कैन बी कंसीडर्ड बाय द सिविल कोर्ट एट द स्टेज ऑफ आफ्टर आर्ग्यूइंग फॉर सम टाइम द लेटर काउंसिल फॉर द रिव्यूअर सबमिट that he may be allowed to with the